पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लगभग 83 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और आगे मैं क्वेश्चंस डिस्कशन शुरू करूँगा। कल मैं अपना वीडियो नहीं लोड कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। और मैं आज जो पिछले टर्न पे जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए बड़ा ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से जो 3 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, और साथ साथ वायरसेस के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और अगर हर एक पॉइंट, माने आप कह सकते हैं पोर्शन से, अगर मान लीजिए कि मोनेरा से एक क्वेश्चन, प्रोटिस्टा से एक क्वेश्चन, फंजाई से एक क्वेश्चन, वायरसेस से एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पोटेंशियल चैप्टर है जहाँ से सवाल आते हैं, इसीलिए इसमें बहुत ढेर सारे सवाल हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर में। ये चैप्टर जब ख़त्म होगा तो बाकी बहुत से चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, वो एक दिन में भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बहुत परेशान मत होइएगा कि अभी सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। हाँ, एक और रेलेवेंट बात आपको ये बतानी थी कि देखिए, अभी तक जो 83 क्वेश्चंस तक मैंने डिस्कस किया, वो लगभग 2003 तक पूछे गए सवाल हैं। 2003 तक पूछे गए सवाल हैं, यानी लगभग अगर आप सोचें आप, तो पिछले 17 साल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा वो आप समझिए, क्योंकि मुझे 30 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो 17 साल के बाद जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो पुराने पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो बहुत बार आपको ऐसे सवाल भी इसमें मिल सकते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज ए फैक्ट आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा। कुछ और जानकारियाँ जो जाननी ज़रूरी हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप बिल्कुल ही इससे परेशान मत होइएगा कि अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह इसलिए क्योंकि ये 17 साल पहले के पूछे गए सवाल हैं। हाँ, आपको एक जानकारी के लिए, आपको इस अपने इन्फॉर्मेशन बैंक को बढ़ाने के लिए आप इसे ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो पीछे से भी क्वेश्चन उठा लेता है, तो सिर्फ इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। परेशान नहीं होंगे कि सर इसका रेफरेंस एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? और कुछ लोग अगर चाहें तो, कुछ लोग 83 क्वेश्चन तक, जो मैंने 82 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में, आप सिर्फ वहीं तक कर सकते हैं, क्योंकि वो 17 साल ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है? ओके दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज। हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 82 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं भाई। 83 क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। तो आप सभी लोगों को मालूम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो आर.एच. विटेकर ने दिया था, जिसमें 5 किंगडम उन्होंने बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाया, और एक जो इसमें नहीं है वो है एनिमलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, ठीक है? जिसमें आपके आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर आल्सो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये दोनों ही मोनेरा में रखे जाते हैं। दे आल आर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स, और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सभी को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोनेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी 5 किंगडम सिस्टम का मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये मेन बेसिस नहीं था, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ये भी मेन बेसिस नहीं था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी कोई मेन बेसिस नहीं था।
जो मेन बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह का एक सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। मेनली पांच बेसिस था जिस पे विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फीचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब देखिए बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको एज ए मेमोराइज कर लीजिए कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन एक्चुअली बैक्टीरिया में पाया जाने वाला शुरुआती दौर में, जो आपको मैंने बताया ना कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन अगर देखें या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवाल्व हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवाल्व हुआ, और ए सेक्सुअल में कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए नेचर ने क्या इवॉल्व किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो कि प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरेंस हैं, सबसे पहले आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में इनकी उत्पत्ति हुई। तो बैक्टीरिया दे मोस्टली परफॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट फ्यू बैक्टीरिया परफॉर्म द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। तो ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, ये तीनों ही बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो एक बात तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता था आप समझिए कि आप वायरस का साइकिल आप याद करिए, लाइटिक साइकिल मैं आपको बता चुका हूँ कि इन जनरल होता क्या है कि जब किसी भी बैक्टीरिया पे कोई वायरस अटैक करता है, जब किसी भी बैक्टीरिया पे कोई वायरस अटैक करता है, मान लीजिए ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है, ये अटैक करता है, और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये मान लीजिए ग्रीन कलर का जेनेटिक मटेरियल है। तो होता क्या है कि जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है वायरस के अंदर, तो उसका पूरा वायरस अंदर नहीं जाता, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ये इस बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करके ये अपना वायरल एलिमेंट बनवाता है। मीनवाइल क्या होता है कि कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरियल जीनोम, ये बैक्टीरियल जीनोम इस के साथ अटैच हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट देखिए अटैच हो गया, ठीक है। अब अगर ये वायरस एलिमेंट बना देते हैं आपके सामने, अब मान लो ये वायरल एलिमेंट बन गया, ठीक है, अब ये वायरल एलिमेंट जो बना, ये लाइसिस होके अगर निकलेगा बैक्टीरिया से, तो इसके अंदर अपना जीनोम के साथ साथ देखिए क्या चीज़ है, थोड़ा सा जीनोम इस बैक्टीरिया का भी है। अब ये जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो इसका जेनेटिक मटेरियल, इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उस दूसरे बैक्टीरिया में डाल देगा। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो ट्रांसडक्शन है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी ये सोचो कि आप जब ये दूसरे में अटैक करेगा, तो ये वायरल जीनोम सिर्फ ग्रीन कलर में दिख रहा है, उस ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू हिस्सा जो कि इस बैक्टीरिया के जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। यानी इस बैक्टीरिया का जीनोम दूसरे बैक्टीरिया में चला गया बाई मीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, और इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन आर सेक्सडक्शन, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, देखते हैं इसमें पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ठीक है, तो यही देखिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे फिर भी ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाई कंजुगेशन, तो कंजुगेशन तो एक अलग प्रोसेस है। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम द मदर सेल, ये भी गलत है। बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स, ये भी गलत है, ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ।
देखिए बैक्टीरियल पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरली जो बैक्टीरिया होता है, मैंने दो तरह का आपको ग्रोथ कर्व बताया, एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या जे शेप्ड कर्व। तो देखिए बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है एक्चुअली, वो बैक्टीरिया का ग्रोथ एक्चुअली जे शेप्ड होता है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड मान के ये कुछ इस तरीके से जे शेप्ड होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल जब देखा गया तो इनका जो ग्रोथ होता है ये शुरुआती दौर में बहुत धीरे होता है, जिसे हम बोलते हैं लैग फेज, ठीक। फिर बाद में ऊपर जाके बहुत तेज स्टार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं लॉग फेज, बहुत तेज से ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ये ऊपर ना जा करके ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टडी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टडी हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है स्टडी। और स्टडी होने के बाद फिर बैक्टीरिया का डेथ होता है, यानी बैक्टीरिया का फिर क्या होता है, डेथ होता है। यानी जो एक्चुअली जे शेप्ड मिलना चाहिए था वैसा कर्व नहीं शो करता है, ये शुरुआत में बहुत धीरे ग्रोथ करता है, फिर बीच में बहुत तेज़ ग्रोथ करता है, लेकिन एक समय चूँकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है तो इनका ग्रोथ बड़ा स्टडी हो जाता है, बहुत धीरे ऑलमोस्ट स्टैग्नेट कर जाता है, और फाइनली फिर ढेर सारे बैक्टीरिया का डेथ होता है, यानी आप जिसे कह सकते हैं पॉपुलेशन क्रैश। तो ओवरऑल जो अगर हम प्लॉट करें बैक्टीरियल पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो वो पूरी तरह से सिग्मोइड नहीं है, वो हाइपरबोलिक प्लॉट शो करता है, जिसमें बेसिकली चार फेजेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टडी फेज और डेथ फेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक ग्रोथ कर्व, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, भाई मान लीजिए कि ये कोई कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, ठीक। और इस कल्चर मीडियम में आपने न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ क्या डाल दिया है, आपने इसमें डाल दिया एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब जब आप इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, देखिए तो क्या कह रहा है कि भाई इन जनरल स्ट्रेप्टोमाइसिन चूंकि एक एंटीबायोटिक है तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया दे ग्रो इनसाइड मीडियम हैविंग स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों होता है ऐसा भाई, ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरियम बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट सडन चेंज, सडन जेनेटिक चेंज, सडन म्यूटेशन की वजह से उनमें कुछ ऐसे स्ट्रेन्स बन जाते हैं, जैसे मान लो मैंने उन्हें ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, तो ब्लू कलर के कुछ ऐसे बैक्टीरिया बन जाते हैं जो जिनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंस शो करने वाला एक जीन है। तो क्या होगा, अब नेचर इनकी संख्या शुरुआत में मान लीजिए बहुत कम है, लेकिन नेचर इन्हें क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, नेचुरल सेलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दे आर द फिटेस्ट इन दैट कंडीशन। तो ये अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, नेचर इनको सेलेक्ट कर लेगा, तो इस स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले मीडियम में ढेर सारा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है जिसके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस शो करने वाला जीन है, क्लियर है। तो ये नेचुरल सेलेक्शन की वजह से ग्रोथ हो रहा है। एक और अच्छी बात आप यहाँ समझिए कि अगर आप कह सकते हो कि सर नेचुरल सेलेक्शन तो तब हो रहा है जब म्यूटेशन हुआ ना, तो सिर्फ अगर इसमें ऑप्शन म्यूटेशन होता तो आंसर हो जाता म्यूटेशन, लेकिन यहाँ इंड्यूस्ड म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन हम इंड्यूस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में म्यूटेशन हम नहीं इंड्यूस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, सेल्फ म्यूटेशन है, नेचुरल म्यूटेशन है, इसलिए ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन इसका गलत जवाब होगा। तो अब जो दूसरा बेटर ऑप्शन है वो क्या है, नेचुरल सेलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज व्हाट, तो प्लाज्मिड एक्चुअली बैक्टीरिया में होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अगर आप बैक्टीरिया देखिए तो बैक्टीरिया में यह होता है एक मेन जीनोम, ये देखिए जो आपके सामने बना ये मेन जीनोम है। इस मेन जीनोम के अलावा भी बैक्टीरिया में देखिए क्या होता है, इसके अलावा भी इसमें छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं,
जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी ये प्लाज्मिड जो हैं दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी मेन जीनोम का हिस्सा नहीं है ये। मेन जीनोम तो इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है, यानी जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए मेन जीनोम कंपलसरी है, यानी बिना इसके ये सर्वाइव बैक्टीरिया नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्लाज्मिड्स हैं दे आर नॉट नेसेसरी एलिमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, दे आर एसेसरी एलिमेंट। जैसे बाइक है, आप बाइक में एसेसरीज लगाते हो ना, साइड मिरर, सीट कवर, तो भाई साइड मिरर, सीट कवर ना हो, एसेसरीज ना हो, डिग्गी ना हो, तो भी आपका बाइक चलेगा। लेकिन नेसेसरी आइटम जो बाइक का क्या है, पहिया, हैंडल, इंजन, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या बाइक आप संभव है? नहीं। वैसे तरीके से समझिए, आपकी किसी बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए मेन जीनोम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है जीने के लिए, वो मेन जीनोम पे पाया जाता है। तो मेन जीनोम कंपलसरी एलिमेंट है, जबकि ये जो प्लाज्मिड्स आप देख रहे हो दे आर एसेसरी एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी अगर ये होंगे तो इन पे पाए जाने वाले जीन की वजह से इस बैक्टीरिया में कुछ कैरेक्टर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो कैरेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया मरेगा नहीं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यानी इस वाले प्लाज्मिड को आप निकाल दो तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, लेकिन अगर इस जीनोम को छेड़छाड़ कर दो, इसको निकाल दो, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड्स दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, इसीलिए आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में प्लाज्मिड्स का हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, कि जब मर्जी प्लाज्मिड को निकाल लिया, प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया, फिर दूसरे होस्ट में डाल दिया। तो ये प्लाज्मिड्स का बहुत आप कह सकते हैं ब्यूटी है कि दे आर एक्चुअली सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर रहते हुए वो सेल्फ रिप्लिकेट भी करते हैं, लेकिन सेल के अंदर, और कंपलसरी भी नहीं बैक्टीरिया के जीने के लिए। तो उसको हम निकाल के उसके साथ छेड़छाड़ करके, मैनिपुलेशन करके बायोटेक्नोलॉजी में हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए बहुत अच्छे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ डिटेल करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए अभी मैंने बताया था कि भाई मेनली चार फेजेस होते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी, और लैग, लॉग, स्टेशनरी के बाद क्या होता है भाई, बताइए। अभी मैंने बताया था लैग, लॉग, स्टेशनरी के बाद आता है डेथ या डेक्लाइन फेज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैग, लॉग, डेक्लाइन फेज, जो कि हाइपरबोलिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाई सीड एंड फ्लावर्स। अब कौन सा फंगस है जो सीड और फ्लावर के द्वारा फैलता है, समझिए आप। तो ये जो इसका आंसर है वो है लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट ऑफ वीट जो होता है ये एक्चुअली स्प्रेड करता है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एक्चुअली ये स्प्रेड करता है। ठीक है, तो विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाई सीड एंड फ्लावर्स, आंसर इज लूज स्मट ऑफ वीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जब हम किसी क्रॉप प्लांट को स्टोर करते हैं तो कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट येलो राइस टॉक्सिन इन राइस। इट सिक्रीट येलो राइस टॉक्सिन इन राइस। ठीक, तो राइस के प्लांट में ये येलो राइस टॉक्सिन सिक्रीट करता है। वहीं एक और जो आप देख रहे हो एस्परजिलस, एस्परजिलस भी प्रोड्यूस करता है एफेलोटॉक्सिन। इट आल्सो प्रोड्यूस एफेलोटॉक्सिन इन फ्रूट्स। एफेलोटॉक्सिन इन फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए क्रॉप प्लांट पूछ रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रॉप प्लांट्स में, और क्रॉप प्लांट्स हम जनरली सीरियल्स को बोलते हैं, राइस, वीट, बार्ली, उसे हम क्रॉप प्लांट कहेंगे, फ्रूट्स को हम क्रॉप प्लांट नहीं कहते हैं। इसलिए चूंकि एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों देखिए प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन
पेनिसिलियम राइस में येलो राइस टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि एस्परजिलस एफेलोटॉक्सिन फ्रूट में प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रूट एक क्रॉप प्लांट नहीं है, इसलिए इसका बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस कंटेन्स, तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जो है ये बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ये एक फैक्ट है, इसे अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। बहुत पूछता है इस तरह का सवाल, आप समझिए इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफ करना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। अगर आप देखें तो जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो चीज़ों के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट, मेन दो चीज़ के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन इसीलिए कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेज हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा कुछ लिपिड का एक लेयरिंग भी पाया जाता है, जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस आपके सामने है, यानी उसके अलावा एक और लेयर होती है। तो ऐसे वायरसेज जिसमें एक और लेयर होती है लिपिड की, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर जनरली मोर हार्मफुल, ठीक है, मोर लीथल। तो चलिए वो अभी डिटेल नहीं करते हैं, मेन दो चीज़ होंगे मोस्ट ऑफ द वायरसेस में, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में भी दो चीज़ें हैं, या तो डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा, और या तो क्या होगा, आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होगा। डीएनए और आरएनए, क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी किसी वायरस के अंदर नहीं पाया जाएगा। और एक खास बात है, वायरस एक ऐसा ग्रुप है जहां आपको एनोमली देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि भाई ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन वायरसेस आपको मिल जाएंगे जहां सिंगल स्टैंडर्ड भी आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होगा। वैसे ही डीएनए जो कि मेनली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे भी आपको वायरसेस मिल जाएंगे जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएंगे। तो आपको ये कैटेगरी बहुत पूछता है एग्जाम में कि फला वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक कैटेगरी का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, आप उसे कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एनोमलीज या एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शंस की बात अगर करें हम लोग, तो आरएनए जनरली कैसा होता है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड। तो अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात हम कहें तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला जो वायरस है बहुत बार पूछा हुआ है, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये है रियो वायरस। क्या है, रियो वायरस, लिख लीजिए कहीं और याद कर लीजिए। रियो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जनरली आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, नॉर्मल यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो वायरसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये एग्जांपल। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, पहला टोबैको मोजैक वायरस, ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है। उसके अलावा एचआईवी जो एड्स कास्ट करता है, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। फिर आपका कोरोना वायरस, अभी देखिए रिसेंटली चल रहा है, कोरोना वायरस में भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। फिर आपका हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस जो एक तरह का कोरोना वायरस है, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। फिर आपका, आपने सुना होगा फूट एंड माउथ डिजीज़, ठीक, इसमें भी पाया जाता है। फिर आपका रेट्रोवायरसेस, रियो और रेट्रो में ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। तो रेट्रोवायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक, रेट्रोवायरस के अलावा। फिर आप पोलियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, पोलियो वायरस भी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता। तो एक खास बात आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है बड़ा लीथल है, तो बड़ा ढेर सारा ये लीथल डिजीजेस काज कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ज़्यादातर लीथल डिजीजेस काज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आपका है, पहले डीएनए में एबनॉर्मल केस हम लोग देख लेते हैं। तो डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो
तो समझिए अब नॉर्मल हुआ। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है उसका कुछ एग्जांपल, तो एक तो अभी आपके सामने ही है, कौन सा? कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसके अलावा कुछ और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले आप एग्जांपल याद कर लीजिए। एक और एग्जांपल है, वो है फाई 174 कोलीफेस। फाई 174 कोलीफेज वायरस, बहुत बार इसका नाम पूछा है, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस के अलावा फाई 174 कोलीफेज वायरस, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जो कि एक एबनॉर्मल केस है, ठीक है। चलिए अब जो नॉर्मल केस है वो क्या है? नॉर्मल केस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हम लोग कर लें। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला एग्जांपल जो आपको याद रखना है उसमें याद रखिए, पहला बैक्टीरियोफेज, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बैक्टीरियोफेज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बैक्टीरियोफेज हो गया। फिर एक अच्छा एग्जांपल जो कई बार पूछा हुआ है वो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। फिर आपका एडिनोवायरस, एडिनोवायरस, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और फिर आपका हर्प्स वायरस, हर्प्स वायरस, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आप मेमोराइज कर लीजिएगा, पूछता है। इसके अलावा भी एक दो नाम हो सकते हैं, तो बहुत डीप में नहीं जाते हम लोग, इतने एग्जांपल अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपका काम चल जाएगा। याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस को याद रखिएगा। और जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो लीथेलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, एड्स हो गया, एचआईवी की वजह से होने वाला, कोरोना की वजह से आप देखिए कोविड 19 अभी हो गया बहुत रिसेंटली, बहुत पूछा जा सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ये सब लीथल डिजीजेस हैं। और सब किसकी वजह से? फूट एंड माउथ डिजीज़ जो जानवरों में पाया जाता है, ये सब के सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से हो रहे हैं। तो इसे याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए कह रहा है क्या इसमें सही है? तो साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा, और ब्लू ग्रीन एल्गा एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से, इसलिए हम इसको मोनेरा में रखते हैं। खास बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स, यानी ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी ये बेसिकली ऑक्सीजेनिक होते हैं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक खास बात होती है कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गा में। तो आपका सवाल हो सकता है कि सर ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम, याद करिए राइजोबियम में मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसको काम करने के लिए आपको चाहिए कैसा कंडीशन? इसको चाहिए एन ऑक्सीजेनिक, क्या चाहिए? एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन चाहिए काम करने के लिए। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें इस एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है वहाँ पर? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। जबकि यहाँ लेग हीमोग्लोबिन तो पाया नहीं जाता है, तो भाई यहाँ क्या है? तो यहाँ नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, बहुत बार पूछा हुआ है। ये हेट्रोसिस्ट जो है एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो ब्लू ग्रीन एल्गा को नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन मेंटेन करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसे याद कर लीजिए आप कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किबैक्टीरिया? आर्किबैक्टीरिया के लिए क्या सही है भाई? आर्किबैक्टीरिया मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्या है? लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो दे आर ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, ओल्डेस्ट लिविंग बींग है। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जब परिस्थितियाँ बड़ी हार्श थी, एबनॉर्मल थी, एक्सट्रीम कंडीशंस, हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी,
नो लाइट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उन समय जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए एक्चुअली दे आर आर्की बैक्टीरिया, इसीलिए हम उसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो अंतर होता है वो ड्यू टू सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल में अंतर की वजह से कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो अक्सर इसमें देखिए अंतर पूछ लेता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो आप समझिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एक टर्म यूज़ हुआ है ये क्यों हुआ है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का टर्म इस्तेमाल किया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम ही ग्राम था, तो ग्राम साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेन जिसे जेंटियन वायलेट कहते हैं उस जेंटियन वायलेट का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को कलर किया, कलर करने की कोशिश की जिससे कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन आसान हो जाए। तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो थे वो जेंटियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट कलर या ग्राम स्टेन को गेन कर ले रहे थे, यानी उससे वो रंग लिए जा रहे थे, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो जेंटियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट को गेन नहीं कर पा रहे थे, यानी वो डीकलराइज, उनमें उस कलर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कलर गेन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने कलर गेन कर लिया ग्राम यानी जेंटियन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट, उसे उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने कलर नहीं गेन किया उसे कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जब एनालाइज किया उन दोनों तरह के बैक्टीरिया को तो देखा कि उन दोनों बैक्टीरिया के सेलवाल के कंपोजिशन में, सेलवाल के फीचर्स में अंतर था। क्या अंतर था वो समझिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली दे आर थिक वॉल्ड, याद कर लीजिए बहुत पूछता है ये सवाल, तो दे आर थिक वॉल्ड, जबकि ग्राम नेगेटिव कैसा होता है ये थिन वॉल्ड होता है। तो पहला अंतर याद रखना आपको, फिर दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि थिक वॉल्ड होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, इंटरेस्टिंग थिक वॉल्ड है लेकिन सिंगल लेयर्ड है, वहीं जो थिन वॉल्ड है यानी है पतला लेकिन है ये डबल लेयर्ड, ये क्या है डबल लेयर्ड, इसमें दो लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर जो है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर 60-90% पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, 60-90% आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है जो बैक्टीरियल सेलवाल का मेन कंपोनेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 10-20% सिर्फ 10-20% ही पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, सिर्फ 10-20%, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो 10-20% इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि इसका जो आउटर लेयर है, चूंकि दो लेयर है ना, तो अंदर वाली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन 10-20% और जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है, देखा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन लीजिए, लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक, और एक जो लास्ट डिफरेंस है पूछता है वो है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीकोइक एसिड पाया जाता है जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टीकोइक एसिड उसके सेलवाल में नहीं पाया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए, अक्सर पूछ लेता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू सेलवाल। ये तो आसान सवाल है, लेकिन इंटरनली अगर पूछ लेगा कि भाई ग्राम पॉजिटिव के सेलवाल में एक पेप्टाइडोग्लाइकन और ग्राम नेगेटिव के सेलवाल में पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या डिफरेंस, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेलवाल होता है वो थिक वॉल्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है, 60-90% होता है, और उसमें टीकोइक एसिड, उसमें जो है बेसिकली टीकोइक एसिड भी पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव वाला थिन वॉल्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड में अंदर वाली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की, उसके बाहर एक लेयर जो पाई जाती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की पाई जाती है, और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सिर्फ 10-20% होता है, और यही वजह भी शायद है कि चूंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत कम होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा होता है, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो स्टेन को क्या करता है, गेन नहीं करता है। ठीक है, स्टेन को गेन करता है आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला पोर्शन, तो इस वजह से चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है तो वो स्टेन इजीली गेन कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडहेसिव पैड ऑफ फंजाई पेनेट्रेट्स द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, अब जो फंजाई है आप देखिए फिलामेंटस होता है, आपको मालूम है माइसिलियम पाया जाता है उसमें, तो उसके जो फिलामेंट्स हैं वो फिलामेंट्स
कैसे किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं। तो होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए दो चीज़ काम करता है, एक मैकेनिकल प्रेशर, यानी पहले जब पेनेट्रेट करेंगे, मान लो ये एक सेल है, ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर मान लीजिए कि कोई फंगस माइसिलियम एंटर करना चाहता है, ये फंगस माइसिलियम है, ये एंटर करना चाहता है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये फंगल माइसिलियम जब बढ़ेगा तो इसके ऊपर एक प्रेशर डालेगा, ठीक, तो मैकेनिकल प्रेशर हो गया। अब जब इसके ऊपर यहाँ प्रेशर पड़ेगा कॉन्टैक्ट पर, तो ये अंदर चूंकि भाई होस्ट सेल है, उसका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब अंदर नहीं जाने देगा, तो जब ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उस प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से इसके टिप से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स इसके सरफेस को डिसॉल्व कर देते हैं और फिर ये अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ड बाय, वीट में जो ब्लैक रस्ट डिजीज है वो क्यों होता है। तो ब्लैक रस्ट इन वीट इज कास्ड बाय, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, याद रखिए बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस की वजह से ब्लैक रस्ट ऑफ वीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, बात समझिए, हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स बात कर रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसीडर होते हैं, इसका सही आंसर तो होना चाहिए कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, याद करिए क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम ढेर सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को ही हम क्या कहते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन, क्या कहते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन, पीछे एक सवाल पूछ सकता है फिनेटिक क्लासिफिकेशन पे, तो कायदे से इसका फिनेटिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में फिनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं है, देखिए कहीं नहीं है, फाइलोजेनेटिक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फाइलोजेनेटिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, जबकि फेनेटिक ढेर सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन की बात करता है, जहां सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। तो अब जो आपको ये चार ऑप्शन दिया इनमें से चुनना है, तो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल में बहुत कम कैरेक्टर्स लेते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिर्फ उसकी बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक में खाली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम मॉर्फोलॉजी एज वेल एज नेचुरल एफिनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन गिवेन ऑप्शंस में से नेचुरल सिस्टम ज़्यादा सही ऑप्शन है। लेकिन मैं बता दूं फिर से कि सही जवाब इसमें ऑप्शन में अगर क्या होता, फेनेटिक, तो हमारा जवाब क्या होता, फेनेटिक क्लासिफिकेशन, तब हम फेनेटिक क्लासिफिकेशन पे टिक करते हैं, ठीक है, फेनेटिक नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और जिसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास जो पिगमेंट होता है वो किसमें पाया जाता है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, तो एक्चुअली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन फोल्डिंग पाई जाती है, ऐसे मेम्ब्रेन फोल्डिंग जिसपे रेस्पिरेटरी एंजाइम हो उसे मीजोसोम कहते हैं, और ऐसे मेम्ब्रेन फोल्डिंग जिसपे फोटोसिंथेटिक एंजाइम हो उसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर, बहुत बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़ क्लास में, तो आप समझिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछता प्रोकैरियोट में तो मीजोसोम, और अगर फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो क्रोमैटोफोर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालूमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ कालूमेला, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी तब खोलिए भाई, मैं एनसीईआरटी बार बार अब नहीं रिकमेंड करूँगा, आप जब भी मेरा लेक्चर देखिए तो आप एनसीईआरटी ज़रूर खोल लीजिएगा, तो एनसीईआरटी अगर देखेंगे आप तो उस एनसीईआरटी में एस्परजिलस के स्ट्रक्चर में स्पोरेंजियोस्पोर दिखाया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कालूमेला, इस बात को समझिए कि जनरली जो फंगस होता है, कालूमेला एक्चुअली पाया जाता है फंगस में, फंगस का फ्रूटिंग बॉडी है, तो फंगस में जो स्पोरेंजियम होता है वो स्पोरेंजियम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखिए पाया जाता है, ये देखिए ये हो गया स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर
ये आपके ढेर सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। जो ग्रीन कलर वाला है ये स्पोर्स हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें आप अगर नेमिंग करना चाहो तो हम इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बन रहा है। और ये जो ग्रीन कलर है इसे हम कहते हैं स्पोर्स। जब ये फटता है तो यही स्पोर्स निकलते हैं और जनरेट करके नया फंगस बनाता है। तो आप देखिए इस फ्रूटिंग बॉडी में ये वाला हिस्सा जो है, इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसी हिस्से को हम बोलते हैं कालूमेला। यानी ये जो स्पोरेंजियम के अंदर ये जो नॉन फर्टाइल पोर्शन है, इसी को हम, जो कि स्पोरेंजियोफोर का एक्सटेंशन आप कह सकते हो, इसी को हम बोलते हैं कालूमेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। हाँ, तो आंसर नहीं हुआ भाई, इसमें कालूमेला किस में पाया जाएगा? तो जो भी फंगस है वो हो जाएगा। तो स्पायर वगैरह एल्गी है, फंगस है नहीं, यूलोथ्रिक्स है नहीं। राइजोपस, याद करिए, ब्रेड मोल्ड फंगस है, तो इसका आंसर राइजोपस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एनदर इन ट्रांसडक्शन, याद करिए, इट इज़ ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो कह रहा है कि ये किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। मैं बता चुका हूँ किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो संयोग से पहला ही ऑप्शन सही है। बैक्टीरियोफेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन, इसी की वजह से ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट, हर 35 मिनट में कोई बैक्टीरियम डिवाइड करके, आपको मालूम भाई बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन शो करता है मेनली। तो मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, तो 35 मिनट बाद ये दो बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। अब अगले 35 मिनट बाद ये चार बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगले 35 मिनट बाद ये चार बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, और फिर अगले 35 मिनट में आप अब कैलकुलेट्स कर सकते हैं, 4 का 8 हो जाएगा, फिर 8 का 16। तो ऐसे ही अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट इफ़ ए कल्चर कंटेनिंग 10^5 सेल, अगर कोई कल्चर मीडियम है जिसमें 10^5 सेल्स हैं पर ml, तो 175 मिनट बाद कितने बैक्टीरिया होंगे? तो एक तरफ देखिए आप 35-35 करके देखिए, 175 पहले देख लीजिए, 35 मिनट, फिर 35 आप ऐड करेंगे, फिर अगला 35 ऐड करेंगे, फिर अगला 35 ऐड करेंगे, फिर अगला 35 ऐड करेंगे, देखिए कितना हो गया। ये मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल 175 मिनट हो गया। यानी हर 35 मिनट में देखिए, अगर यहाँ एक है तो 1×10^5 हो गया। तो 35 मिनट बाद अगर 10^5 था, एक था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 मिनट बाद? 2 हो जाएगा, ठीक। अगले 35 मिनट में 2×4 हो जाएगा, अगले 35 मिनट में 4×8 हो जाएगा, अगले 35 मिनट में 8×16 हो जाएगा, और अगले 35 मिनट में 16×32 हो जाएगा। तो 32×10^5, ये कुल 175 मिनट बाद बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आपको? यानी 10^5 था तो 35 मिनट बाद उसका दुगना हो गया ना, तो दुगना मतलब 2×10^5, फिर अगले 35 मिनट बाद उसका दुगना यानी 4×10^5, फिर अगले 35 मिनट में 8×10^5, ऐसे ही 175 मिनट बाद 32×10^5 हो जाएगा टोटल बैक्टीरिया की संख्या। इस तरह का सवाल भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, मतलब सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि ये याद करने वाला नहीं है। कुछ भी डेटा अगर चेंज करे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल इस तरह का बहुत पूछता है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ कि मान लो पूछता है ऐसे कि मान लो एक बीकर है, ठीक है, जिसमें एक बैक्टीरिया रखा गया, जिस बैक्टीरिया का जो बाइनरी फिजन टाइम है वो 2 मिनट है। बाइनरी फिजन क्या है? टाइम 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट में ये बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाता है, ठीक। तो अगर कोई बीकर 60 मिनट में आधा भर जा रहा है, 60 मिनट में अगर आधा भर जा रहा है, तो पूरा कितने देर में भरेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है,
तो आप ध्यान देखिए, अगर 60 मिनट में आधा भर जा रहा है तो अगले सिर्फ 2 मिनट में पूरा का पूरा 60 बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा ना, तो अगले सिर्फ 2 मिनट में प्लस 2 और अगर जोड़ोगे तो पूरा भर जाएगा, यानी 62 मिनट में पूरा भर जाएगा। ध्यान देखिए कि 62 मिनट में पूरा भर गया, ये एक्चुअली अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल, और इसीलिए शायद कोरोना वायरस भी बहुत खतरनाक है, इस बात को समझिएगा। यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आधा कंटेनर भरा सोचो 60 मिनट में, और तो कायदे से अगर जनरल नॉलेज सोचे तो ऐसे दिमाग में लगता है कि भाई 60 मिनट में आधा भरा तो 120 मिनट में पूरा भरेगा। नहीं भाई, एकदम नहीं, 60 मिनट में आधे भरा तो अगले 2 मिनट में जो उसका बाइनरी फेज टाइम है, अगले 2 मिनट में ही पूरा का पूरा आधा जो भरा हुआ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया डिवाइड करके पूरा भर देंगे कंटेनर को। तो इस तरह का सवाल पूछता है, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। द डीएनए ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इज, डीएनए ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इज, तो भाई डीएनए जो है एस्चेरिचिया कोलाई का, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल डीएनए होता है, नहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और साथ में याद जो रखना वो ये याद रखना फोकस, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो यहाँ फोकस करके याद कर लीजिएगा। लीनियर डीएनए नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, हमेशा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का मेन रोल क्या है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल में अगर हम ध्यान दें तो बैक्टीरिया का मेन रोल जो बेसिकली होता है, इट इज़ डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बैक्टीरिया मेनली क्या काम करता है भाई, डिकम्पोजर का काम। तो डिकम्पोजर का काम क्या होता है, डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये मेन काम है, यानी बैक्टीरिया और फंगस दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम बिकॉज दे बिहेव एज डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प इन न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग। चीज़ें, ये जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है, पहिया घूमता रहे, उसमें हमारे ये डिकम्पोजर्स मदद करते हैं जो मेनली बैक्टीरिया और फंगस हैं, जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का मेन काम क्या है, डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मेन काम है कार्बन साइकिल में इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 टू 105 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल, याद करो मैंने बताया था, दे आर आर्की बैक्टीरिया बेसिकली। और कैसे आर्की बैक्टीरिया, आप देखो यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, आर्की बैक्टीरिया यहाँ भी दिया, आर्की बैक्टीरिया यहाँ भी दिया है, और तो अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना, आप जैसे ही आर्की बैक्टीरिया आपके दिमाग में है तो पता चला आप सी और डी को ऑप्शन क्लिक मत कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद करो थर्मो एसिडोफिलस मैंने बताया था, तो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ये भी है आर्की बैक्टीरिया, लिखा नहीं आर्की बैक्टीरिया लेकिन है आर्की बैक्टीरिया ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि ये जो मिथेनोजेनिक है, तो मिथेनोजेंस हैं आर्की बैक्टीरिया, लेकिन मिथेनोजेंस बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं, ना कि हार्ट टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। मैरीन आर्की बैक्टीरिया जो डीप सी सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, समुद्र की तलहटी में जहाँ ना तो प्रकाश पहुँचता है, जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले बैक्टीरियम, तो वो होंगे थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया या थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्सिनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड, फॉर्म्स यूरिडिया एंड, तो एक बात थोड़ा सा यहाँ देखिए, अभी पक्सिनिया के बारे में इतना डिटेल नहीं पूछता है, पहले डिटेल पूछता था, इसकी लाइफ साइकिल पूछती थी, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना, कुछ चीज़ें याद कर लो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस कई बार पूछा हुआ है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो है, इस बात को समझिए कि एक हेट्रोसियस रस्ट फंगस है। पहला बात जो आपको याद रखना है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज ए हेट्रोसियस रस्ट फंगस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं हेट्रोसियस रस्ट फंगस, क्योंकि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, दो होस्ट चाहिए इसको, एक होस्ट है आपका वीट, ठीक है, और दूसरा होस्ट जो होता है ये आपका होता है बारबेरी। ठीक है, ये दो होस्ट इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए चाहिए, यानी अगर इसमें से कोई भी एक होस्ट गायब हो जाए तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। चलिए ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इसका
जो रिप्रोडक्शन है उसमें कई तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक। तो उसमें कुछ स्पोर्स वीट पर बनते हैं और कुछ स्पोर बारबेरी पे बनते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि वीट जो होता है, इस वीट पे कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो वीट पे बेसिकली बनता है यूरिडिया, यूरिडिया के साथ क्या बनता है, टीलिया, और मैंने यूरिडिया और टीलिया वीट पर बनता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टीलिया, यूरिडिया एंड टीलियान वीट लीव्स, ठीक है। लेकिन जानते रहिए कि मान लीजिए पूछ ले कि भैया बारबेरी पे कौन सा वाला बनता है, तो बारबेरी पे कौन सा बनता है वो याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। बारबेरी पे जो स्पोर बनता है बेसिकली वो क्या है, वो है पिकनीडिया। क्या है, पिकनीडिया एंड एसीडिया, वो है आपका पिकनीडिया एंड एसीडिया। तो पिकनीडिया एसीडिया कहाँ बनता है, बारबेरी पे, और जबकि यूरिडिया और टीलिया कहाँ बनता है, वीट पे। लेकिन एक और स्टेज होता है जिसे हम बेसीडिया कहते हैं, बेसीडिया ग्राउंड पे बनता है, यानी होस्ट पे नहीं है, सॉयल में ग्राउंड पर बनता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस पॉजेसेस। तो ये तो आसान सवाल है भाई, वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ध्यान रखिए फ्री लिविंग एरोबिक, एरोबिक फ्री लिविंग पे फोकस करना पहले आपको, कि कौन सा फ्री लिविंग है, फिर साथ साथ एरोबिक भी है और साथ साथ नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब है एजोटोबैक्टर, ठीक है। और भी देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहे हैं, जैसे एस्परजिलस और राइजोबियम, ये दोनों ही सिम्बियोटिक हैं, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्री लिविंग पूछ रहा है, तो एस्परजिलस राइजोबियम तो इसलिए छट गया। अब बचा नॉस्टॉक और एजोटोबैक्टर। तो नॉस्टॉक जो है ये नाइट्रोजन फिक्सर है लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है, और आपका पूछ क्या रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन। तो बता चुके हैं भाई ये सवाल, शायद पीछे भी पूछ चुका है। तो जो मेम्ब्रेन फोल्डिंग प्रोकैरियोट्स में जिस पे रिस्पायरेटरी एंजाइम पाया जाता हो, ऐसा मेम्ब्रेन फोल्डिंग, अगर मान लो ये बैक्टीरिया है तो ये उसका मेम्ब्रेन फोल्डिंग है जिस पे रिस्पायरेटरी एंजाइम मान लो ये पाया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीजोसोम। और अगर फोटोसिंथेटिक माने पिगमेंट्स पाए जाते या एंजाइम्स होते तो क्या कहते हैं उसे, क्रोमैटोफोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेरिडिटी मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई, शिरीचिया कोलाई में क्या हेरिडिटी मटीरियल है। तो पूछ चुका अभी पहले ही, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, छूट गया आगे, आगे सर्कुलर भी लिखना होना चाहिए, ठीक है, या नहीं है तो आप जानते रहिए कि सर्कुलर भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन्स आर पैकेज्ड इन टू ए बैक्टीरियल क्रोमोजोम बाई। बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जीन जो होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए का बना होता है, उसमें ये जीन की पैकेजिंग कैसे होती है भैया, गुड क्वेश्चन। तो आपने यूकैरियोटिक सेल में जनरली क्या बनता है, सुपर क्वाइल्ड डीएनए, सुपर क्वाइलिंग से क्रोमोसोम बनाता है, तो इस क्रोमोसोम को बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एक बेसिक प्रोटीन है। क्या है, एक बेसिक प्रोटीन, यानी ये बेसिक प्रोटीन इस जीन को, इस डीएनए को सुपर क्वाइलिंग में, क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम में क्या होगा, तो भाई बैक्टीरियल क्रोमोसोम में तो हम तो ये डिफरेंस में पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें डीएनए में हिस्टोन नहीं पाया जाता है, और हिस्टोन जो कि बेसिक आप कह सकते हैं नेचर का होता है, जो बेसिकली पैकेजिंग में मदद करता है, वो हो नहीं सकता प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन जैसा ही कोई दूसरा बेसिक प्रोटीन होगा जो पैकेजिंग में मदद करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन, लेकिन हिस्टोन नहीं होगा क्योंकि हिस्टोन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट ऑफ द लाइकेंस, लाइकेंस की बात कर रहा है, तो लाइकेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइकेंस जो होते हैं दे आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस, बिटवीन फंगस एंड एल्गा, ठीक है,
एल्गा को हम क्या कहते हैं? एल्गा को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। फंगस को हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। एल्गा भोजन बनाता है तो फंगस को देता है भोजन, ठीक है, फूड देता है, और फंगस भोजन बनाने के लिए क्या देता है? वाटर और मिनरल देता है, ठीक है। ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, सीधे फंगस और एल्गा नहीं पूछा है, कौन सा ग्रुप है फंगस और एल्गा का, ये सवाल पूछा है, इसलिए अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, जनरली लाइकेंस में ग्रीन एल्गा के साथ एस्कोमाइसीट्स के फंगस जो मेंबर हैं वो एसोसिएट होते हैं, ठीक। 20% केस ही ऐसे हैं जहां ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ एसोसिएट होता है जनरली बेसिडियोमाइसिट्स। ये सिर्फ 20% केस है, यानी मेजोरिटी केसेस में ग्रीन एल्गा के साथ कौन एसोसिएट होते हैं? एस्कोमाइसिट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आपका ग्रीन एल्गा एंड एस्कोमाइसिट्स का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी हम लोग डिस्कस किया, इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? आरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी बीजीए किस में है? तो ब्लू ग्रीन एल्गा को किस में रखते हैं हम लोग? प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर एग्जाम्पल ऑफ, तो एजोटोबैक्टर और पॉलीमिक्सा वायरस किसके एग्जाम्पल हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, एजोटोबैक्टर और पॉलीमिक्सा वायरस किसका एग्जाम्पल है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजर, सिम्बियोटिक एंटू फिक्सर, नॉन सिम्बियोटिक एंटू फिक्सर। तो ये देखिए बहुत नाइट्रोजन फिक्सेशन से सवाल पूछता है, ये नॉन सिम्बियोटिक एंटू फिक्सर है, ठीक है, नॉन सिम्बियोटिक एंटू फिक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कुछ सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेक्स पिलाई पढ़ चुके हैं, ठीक है, सरफेस प्रोजेक्शन, सेक्स पिलाई जो जनरली बैक्टीरिया में कंजुगेशन में मदद करता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो कंजुगेशन में सेक्स पिलाई मदद करता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिकली है ये बाय डिफ्यूजन होता है, और ट्रांसडक्शन बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरियोफेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है भाई? तो जनरली बैक्टीरिया में डीएनए, अभी आपको बताया मैंने, सर्कुलर फ्री डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन इज रॉन्ग, ध्यान रहे रॉन्ग पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा, गलत क्या है इसमें ये पूछ रहा है। तो दे ग्रो वेरी रैपिडली, यहीं देखो गलत हो गया, एक्चुअली लाइकेन जो है उसका ग्रोथ बहुत धीरे होता है, वेरी स्लो होता है, क्या होता है उसका ग्रोथ? वेरी स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, दे सो फंगल एंड एल्गल सिम्बियोटिक, सही है, सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाई रेंडियर्स, ये भी सही है, दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, बता ही चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड से ये बहुत सेंसिटिव होता है तो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या गलत है इसके बारे में, कि दे ग्रो वेरी रैपिडली, एक्चुअली वेरी रैपिडली नहीं ग्रो करता, वेरी स्लोली ग्रो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज, तो माइकोराइजा इट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन व्हाट? फंगस एंड, बता चुके हैं पहले भी, फंगस एंड बताइए भाई, हाँ, विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, विद द रूट ऑफ सम हायर प्लांट्स। अब कौन से हायर प्लांट्स भाई जिनमें ये पाया जाता है? तो ऐसे हायर प्लांट्स जिसमें रूट हेयर या तो पुअरली डेवलप्ड हो या तो एब्सेंट हो, तो उस रूट हेयर यानी जो एब्जॉर्प्शन काम करता है, उस एब्जॉर्प्शन के काम को कंपनसेट करने के लिए, रूट हेयर की कमी को पूरा करने के लिए फंगस एसोसिएशन के साथ पाया जाता है, फंगल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ सम हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोराइजा। और माइकोराइजा दो टाइप का होता है, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। तो जो पाइनस रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन है वो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल है, जहां
सेल के ऊपर से फंगस एसोसिएट हो रहा है, और अगर सेल के अंदर पेनेट्रेट करके सेल के अंदर अगर फंगस एसोसिएट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे एंडोमाइकोराइजा। और एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल जो होता है वो है वैम, बहुत पूछता है, याद कर लीजिए वैम। वैम इज वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वैम का फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा एग्जांपल याद रखिएगा एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का पाइनस। तो यहाँ चलती कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अभी। तो कह रहा कि माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, क्या सही है उसके बारे में, माइकोराइजा के बारे में थोड़ा देखिए क्या सही लग रहा है आपको भाई। तो दे आर पैरासिटिक एसोसिएशन, गलत है। दे आर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ सम हायर प्लांट्स, यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर, जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज हैं वो क्या होते हैं। तो दे आर मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, यही सही हो जाएगा। बैक्टीरिया का सर्फेस मिलता है तब उस पर मोटाइल है, उस पर सर्फेस इंटरेक्शन करके उस पर मूव कर सकता है और अंदर पेनेट्रेट करता है। लेकिन अगर नहीं है बैक्टीरियल सर्फेस तो वो काम नहीं करता है, नॉन लिविंग के तरीके से बिहेव करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे आर मोटाइल ऑन सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। वैसे होने के लिए तो कह रहा है, तो नॉन मोटाइल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि नॉन मोटाइल हमेशा नहीं है, तब तक नॉन मोटाइल है जब तक कोई बैक्टीरिया नहीं है, इंडिपेंडेंटली है तो नॉन मोटाइल, लेकिन वही अगर बैक्टीरियल सरफेस मिल गया उसको तब मोटाइल हो जाता है। इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर मोटाइल ऑन सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, क्योंकि ये हमेशा सही होगा, बैक्टीरिया के सर्फेस में हमेशा ये मोटाइल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज बाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोज मतलब डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स का जो एग्जाम्पल है आपका वो है कीमोलिथोट्रॉप्स, दे आर मेन डिकम्पोजर्स, जो बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी जो मिलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो कीमोलिथोट्रॉप्स हैं दे आर द मेन डिकम्पोजर्स, तो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाई कीमोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कास्ड बाई ए फंगल डिजीज, कास्ड बाई, तो फंगल डिजीज है जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, वो किस फंगस की वजह से होता है, तो पढ़ चुके हैं भाई, मैंने कई बार बताया है आपको, इसका होगा पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिकाई, ठीक है। लेकिन याद रखे रहिए, एल्बिगो से पूछ सकता है क्या होता है, तो एल्बिगो से क्या होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्बिगो से होता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऐसे ही पूछ सकता है मिलानोस्पोरा लिनाई से क्या होता है, तो मिलानोस्पोरा लिनाई से भी याद कर लीजिए, यह भी पूछ सकता है। लिंसिड रस्ट होता है, इससे क्या होता है, लिंसिड रस्ट होता है, ठीक। फिर आपका क्लाविसेप्स से पूछ सकता है, क्लाविसेप्स से भी याद कर लीजिए, क्लाविसेप्स परप्यूरिया से बेसिकली अर्गट ऑफ राई होता है, क्या होता है इससे, अर्गट ऑफ राई, पूछा हुआ सवाल है इसलिए सब याद कर लीजिएगा, क्लाविसेप्स परप्यूरिया से अर्गट ऑफ राई होता है, और मेलैम्पसोरा लिनाई से क्या होता है, लिंसिड रस्ट होता है, एल्बिगो कॉन्डिडा से क्या होता है इससे, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है, और पक्सिनिया ग्रैमनिस से तो आपने याद ही कर लिया, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी जीन्स आर, तो टीएमवी जीन्स कैसा होता है, टोबैको मोजैक वायरस पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लांट वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पढ़ चुके हैं इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज़ बेस्ड ऑन, तो किस पे होगा भैया, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, पहले ही बात कर चुके हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट आपका प्रोटिस्टा के बारे में कह रहा है कि प्रोटिस्टा हैव, दे हैव ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स,
ध्यान रखिए, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं मतलब दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सबको हम प्रोटिस्टा में उठा के रख देते हैं। तो प्रोटिस्टा का खास कैरेक्टर, दे आर फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट, वो कोई फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट नहीं है, प्रॉपर सेल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो प्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियो प्रोटीन्स कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास, गलत है। न्यूक्लियो प्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सबस्टेंस, ये भी गलत है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, बस ऐसे समझो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, चूंकि यूकैरियोट है तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, यही सही आंसर हो गया आपका दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो है, ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉयल फॉल अंडर द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आएंगे जो सॉयल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बेसिकली। तो भाई ये भी आसान सवाल है, बहुत पूछा जाता है, जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं सॉयल में। ठीक है, सॉयल फंजाई नहीं होगा, ग्रीन एल्गा नहीं होगा, ब्लू ग्रीन एल्गा होता तो पॉसिबल था एक बार, लेकिन ग्रीन एल्गा लिखा है, मॉसेज यानी ब्रायोफाइट्स नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाई, तो ट्रांसडक्शन किससे हो रहा है भाई, अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा था कि एक वायरस एक होस्ट के अंदर घुस रहा था, उसका थोड़ा जीनोम लिया, और जब दूसरे होस्ट के अंदर जाएगा तो उस बैक्टीरिया वाला जीनोम दूसरे होस्ट में पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज यानी फेज वेक्टर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, फिर से पूछ लिया, नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, बहुत बार पूछा हुआ ये सवाल। ठीक है, एजोटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, माइकोराइजा एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ सिम्बायोसिस, पूछ चुका है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन ह्यूमन सेल, देखिए ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डिजीजेज जो आपको पढ़ना है क्लास 12th में, वहाँ ये प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, तो इसलिए हम यहाँ बहुत डिटेल नहीं करेंगे, इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए, एरिथ्रोसाइट एंड लीवर सेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इफ़ ऑल पॉन्ड्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी अगर हम सारे गड्ढों को जो दिख रहे हैं आपके सामने उन पॉन्ड और पडल्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दें, तालाब गड्ढे हैं उनको अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या डिस्ट्रॉय होगा इसमें, तो इसमें देखिए डिस्ट्रॉय क्या होगा, प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉय होगा। ये भी देखिए लाइफ साइकिल से है पूरा, लेकिन याद रखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम भी एक तरह का एक ऐसा आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जिसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, और उसके जो दो होस्ट हैं प्लाज्मोडियम के, वो दो होस्ट कौन है प्लाज्मोडियम के, एक हैं ह्यूमन, इसको ह्यूमन चाहिए, और दूसरा है मॉस्किटो। ठीक है, तो ह्यूमन और मॉस्किटो जो है वो इसके दो होस्ट हैं। ठीक, तो ह्यूमन में जनरली इस प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल होता है, ठीक, जबकि मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल साइकिल होता है, क्या होता है, इसका सेक्सुअल साइकिल होता है। यानी अगर हम पॉन्ड और पडल्स डिस्ट्रॉय कर दें तो जितने मच्छर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और मच्छर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, तो इसलिए प्लाज्मोडियम भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मच्छरों पर निर्भर है, और मच्छर जो गड्ढे हैं तालाब हैं इधर उधर पानी में पैदा होता है, तो मच्छर नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम आर न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ,
पढ़ चुके हैं हम लोग भाई, जीनोफोर, बैक्टीरियल जीनोम, न्यूक्लियाइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए हमें जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें जनरली ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, नहीं लिखा हुआ है ऐड कर लीजिए, सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस चिरीचिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, इस चिरीचिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज। तो इस चिरीचिया कोलाई, देखिए बहुत सवाल पूछता है इससे, इस चिरीचिया कोलाई से इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में क्योंकि हम इसको इजीली कल्चर कर सकते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है जनरली इस चिरीचिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हाँ, इनकेस ऑफ अगर कंटामिनेशन कर दे, बहुत ज़्यादा हो जाए तो हार्मफुल भी है, लेकिन इन जनरल ये इजीली कल्चर किया जा सकता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनाफिलीज इज। तो फीमेल एनाफिलीज में कौन सा इसका आप कह सकते हैं स्टेज पास करता है मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, वो पूछ रहा है आपका। तो इसका जवाब क्या होगा, ये पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है क्लास ट्वेल्थ में, फिर भी आप यहाँ याद कर लीजिए, अभी मैंने बताया भी ऊपर कि सेक्सुअल साइकिल पास करता है, ठीक है, ए सेक्सुअल ह्यूमन में और सेक्सुअल साइकिल फीमेल एनाफिलीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है भाई, पहले तो ये समझ लो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स हैप्लॉयड फेज और फिर आयर डिप्लॉयड फेज। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लाइफ स्टेज में हैप्लॉयड फेज इज फॉलोड बाय डिप्लॉयड फेज एंड डिप्लॉयड फेज इज फॉलोड बाय हैप्लॉयड फेज, उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो भाई हैप्लॉयड से डिप्लॉयड यानी यन से टू यन कब बनेगा, जब यन प्लस यन यानी सिनगैमी होगी, तभी तो गैमीट फ्यूजन होगा, तब आपका टू यन कंडीशन बनेगा। और टू यन से यन कैसे बनेगा, जब टू यन में रिडक्शन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में ना तो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होता है और ना ही कोई सिनगैमी होती है, इसलिए बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, यानी देयर इज नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, इसलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, बता चुके हैं भाई, लाइक इन दे आर पॉइनियर्स, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्या है वो बात समझिए। तो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए जो हम लोग लेते हैं वो एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स दोनों के बेसिस पे करते हैं, खाली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं करते हैं, या ब्रीडिंग हैबिट के बेसिस पे सिर्फ नहीं करते हैं, या सिर्फ प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो बहुत छोटा क्राइटेरिया हो गया। तो हम ब्रॉडर क्राइटेरिया लेते हैं, दैट इज एनाटोमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल ट्रेट, सबको आप कह सकते हैं आधार बना के हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन अमीबा एंड पैरामीशियम आस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोलरिटी, याद करिए मैंने बताया है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोलरिटी और फ्लूइडिटी इन ए लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन इज ए टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस इज व्हाट, इट इज शॉर्ट टर्म टेम्पररी चेंज इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढालने के लिए कुछ टेम्पररी चेंज करता है। जैसे ठंडी में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हमें कंपकपी आने लगती है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा कंपकपी आती है, वो जो कंपकपी आती है चूंकि हमारी कंपकपी से मस्कुलर एक्टिविटी होती है और कुछ हीट रिलीज होता है हमारे बॉडी में जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। ऐसे ही गर्मी में देखिए स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है,
क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमारा टेम्परेचर कहीं ज़्यादा ना हो जाए, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ ना जाए, तो हमारा शरीर स्वेटिंग करता है, पसीना छोड़ता है, तो स्वेटिंग के दौरान जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन खर्च होता है हमारे शरीर से, वो हमारे शरीर को फिर ठंडा कर देता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का होम्योस्टेसिस है, ठीक है। तो ऑस्मोरेगुलेशन भी एक तरह का होम्योस्टेसिस है, जहाँ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की फ्लूडिटी मेंटेन रखी जाती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म है उसका एक कांस्टेंट फ्लूडिटी बहुत ज़रूरी है, तभी सेल सर्वाइव कर पाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया तो सेल मर जाएगा, और बहुत फीका हो गया तो सेल मर जाएगा। तो उस फ्लूडिटी को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, सेल के अंदर यानी अमीबा और पैरामीशियम जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। द अफ्रीकन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीकन सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ये अच्छा सवाल है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़ ड्यू टू, ये याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एज ए फैक्ट याद कर लीजिए। इट इज़ कास्ड बाई ट्रिपनोसोमा गैम्बिनीज, ट्रांसमिटेड बाई ग्लोसियोना पैल्पैलिस, ग्लोसियोना पैल्पैलिस, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज ए फैक्ट याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज मैलिग्नेंट टर्टाइन, मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास। अब देखिए ये आपका फिर से प्लाज्मोडियम से सवाल पूछ रहा है, तो आप इसको एज ए फैक्ट याद करिए। वो पैरासाइट का नाम क्या है, वो पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज लेवरन, ठीक है। लेवरन है जिन्होंने, लेवरन ने प्लाज्मोडियम खोजा था आरबीसी ऑफ ह्यूमन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, सूरज से कौन एनर्जी नहीं लेता, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनका सूरज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई वो केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के लिए सूरज ज़रूरी है, हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिना सूरज के, बिना सूरज की रोशनी के भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस पे निर्भर रहने वाले यानी केमिकल रिएक्शन से अपने जीने के लिए एनर्जी लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो सूरज पे यानी सन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू, ये भी आप एज ए फैक्ट याद कर जाइए, क्लास 12th में पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है, तो बिलोंग्स टू स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबियोसिस इज प्रिवेंटेड बाई, अमीबियोसिस इज प्रिवेंटेड बाई, तो अमीबियोसिस एक तरह का रोग है जो जनरली कंटामिनेटेड वाटर से होता है, ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर यानी ख़राब पानी के पीने की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका जो प्रिवेंशन है वो है यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग बॉयल्ड वाटर। तो भैया पानी उबाल के पीजिए, आपको अमीबियोसिस नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच इज ट्रू अबाउट ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा के बारे में क्या सही है, तो ट्रिपनोसोमा जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है। ट्रिपनोसोमा क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, या कई मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन, पैरामीशियम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो जनरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पैरामीशियम में होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस में पाया जाता है। माइक्रो दो तरह का होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस एक मैक्रो न्यूक्लियस, तो माइक्रो न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाया जाता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में वो जनरली कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, इसलिए हम उसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, यानी मैक्रो न्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस को हम जनरली जेनेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा इसका स्टेज एंटर कर रहा है, ये पूछ रहा सवाल, तो इसे भी याद कर लीजिए, सेप्रोजोइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर सेल वॉल, बता चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा, मोनेरा में कौन है भाई, इसमें बैक्टीरिया होगा, मोनेरा होगा तो कौन सा है, अमीबा नहीं है, स्पायरोगायरा एल्गा है नहीं है, जिलाइडियम आपका एगार मिलता है ये भी एल्गा है, अमीबा आपका प्रोटोजोन में आ जाएगा, तो एक बचा एसिरिचिया कोलाई, यही सही आंसर हो जाएगा, ये एक बैक्टीरिया है मतलब मोनेरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाई, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन याद करो एब्जॉर्प्शन के थ्रू डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, तो कौन करता है, फंगस करता है, कौन करता है, फंगस करता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय करलस लीनियस, तो लीनियस ने क्या यूज़ किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम यूज़ किया था, पढ़ चुके हैं हम लोग, जबकि बेंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम किया था और एंगलर पेंटल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, करलस लीनियस, ठीक है ये इसे ही सवाल उलट के पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई ये भी पूछा हुआ है, दैट पास टू ह्यूमन, ह्यूमन में क्या पास करता है, तो जनरली स्लीपिंग सिकनेस याद करिए, और स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनीज की वजह से होता है, ये कई बार पूछा है इसलिए इसे याद कर लीजिए, स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाई ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनीज, जो पास करता है किस वेक्टर से, सीसी फ्लाई से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर कॉन्साइड्स विथ लिबरेशन ऑफ, मलेरिया फीवर कॉन्साइड्स विथ लिबरेशन ऑफ मेटाक्रिप्टो मीरोजोइट्स, याद कर लीजिए इसे, लाइफ साइकिल आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिप्नोसोमा बिलोंग्स टू क्लास, ट्रिप्नोसोमा बिलोंग्स टू क्लास जूफ्लैजिलेटा, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस अभी था, सीसी फ्लाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आपके पास है, द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, देखिए कितना पूछा है स्लीपिंग सिकनेस से कई बार, हो सकता है ये रोग, ये लगभग 1989-90 में पूछा गया है, तो आप समझिए हो सकता है ये रोग उस समय आया हो, जैसे अभी कोरोना रोग आया है, कोरोना डिजीज COVID-19, हो सकता है उस समय ये रोग हुआ हो जिसकी वजह से इससे रिलेटेड कई सवाल पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज, क्यों भाई SO2 पोल्यूशन करता है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होगा तो लाइकेंस मर जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी शो करते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, क्लासिफिकेशन गिवन बाई बेंथम एंड हुकर, तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसा क्लासिफिकेशन था, नेचुरल क्लासिफिकेशन, कैरलस लीनियस ने जो दिया था वो आर्टिफिशियल था, एंगलर पेंटल ने जो दिया था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर बेंथम हुकर ने कैसा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं 160 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और 160 क्वेश्चन यकीन मानिए अगर आपने अच्छे से कर लिया, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी मैंने आपने आपको बताए हैं, आप ऐसे नहीं समझिए कि 160 क्वेश्चन है, ये 160 क्वेश्चन में मैंने हर क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, कि यानी जो 3 ऑप्शन है उनसे भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो कुल लगभग आपका देखिए तो 500 क्वेश्चन आपका कलेक्शन हो गया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आने वाला जो 4-5 सवाल है वो इसमें से आ ही जाएगा, 90% की गारंटी है, तो बस इसको आप अच्छे से कर लीजिए और NCERT अच्छे से पढ़िए, जो मैंने नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और जो बेल आइकन है उसे बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और साथ साथ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स भी देखें, मैंने मुझे कमेंट्स भी लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है या मैं कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है बच्चों। तो आप स्टे हेल्दी, घर पे रहिए,
स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नीट का एग्ज़ाम भले ही टल गया है, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इस समय को यूटिलाइज़ करिए और इस साल अपनी एक सीट नीट एग्ज़ाम में पक्का कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।